लाइन, ठीक है, लाइन, व्हाट डू यू मीन बाय लाइन? इट हैज नो एंड पॉइंट, इट हैज नो एंड पॉइंट एंड वी कैन एक्सटेंड दिस लाइन इन एनी वे। और इसको डिनोट कैसे करते हैं? जैसे मान ये लाइन है ना, मान लो मैंने ये लाइन ड्रॉ करी, देन अब मेरा मतलब क्या है कि आई वांट टू एक्सटेंड इट, तो मैंने नो एंड पॉइंट कर दिया, यस, इधर को एक्सटेंड कर दिया इधर को, ठीक है, ऐसे। दिस इज ए एंड दिस इज बी पॉइंट था। फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव ड्रॉ हेयर लाइन ए बी, आफ्टर दैट आई वांट टू एक्सटेंड इट, सो आई पुट एरो ऑन बोथ साइड। तो हाउ कैन वी डिनोट इट? ए बी ऐसे एरोस, दिस इज लाइन, ठीक है। नेक्स्ट इज लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट इज, इट इज द पार्ट ऑफ लाइन, इट इज द पार्ट ऑफ लाइन एंड वी कैन मेजर इट। ध्यान रखना, इट हैज टू एंड पॉइंट, वी कैन मेजर इट, वी कैन ड्रॉ इट यूजिंग स्केल। इट इज अ पार्ट ऑफ लाइन, तो क्या होगा? दिस इज मान लो ए एंड बी, फॉर एग्जाम्पल दिस इज 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे कैसे? ए बी, नो एरो ऑन बोथ साइड, नो एरोस बिकॉज इट हैज टू एंड पॉइंट्स, क्लियर? दैट रे, यस मैम, रे इट हैज इनिशियल पॉइंट बट नो एंडिंग पॉइंट, है ना? इट हैज इनिशियल पॉइंट बट नो एंडिंग पॉइंट। गिव मी सम एग्जाम्पल्स ऑफ रेज, गिव मी सम एग्जाम्पल्स ऑफ रेज, गिव मी सम एग्जाम्पल्स। सनलाइट, सन रे, सनलाइट, यस, टॉर्च, टॉर्च, कैंडल, ट्यूबलाइट, यस, टॉर्च, ट्यूबलाइट, बल्ब, यस, बल्ब, ट्यूबलाइट, यस, एलईडी बल्ब, यस, और मोबाइल टॉर्च आल्सो। मोबाइल की अगर मैं टॉर्च को ऑन करूं, दैट इज आल्सो अ रे, क्योंकि आपको पता ना वो मोबाइल से निकल रही है। अगर मैं मोबाइल की टॉर्च ऑन कर रही हूं, तो आपको लगेगा, आपको पता है कि वो कहां से आ रही है लाइट, मोबाइल से आ रही है। तो सो दिस इज आल्सो अ रे, बट मुझे ये नहीं पता कि उसको मैं कहां तक एक्सटेंड कर सकती हूं, दैट लाइट को, दिस इज रे। इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, मान लो मैंने बोला ए और बी, अब ये बी के बाद एक्सटेंड हो रही है, तो हम इसको कैसे शो करेंगे? लाइट दैट ए बी, ठीक है। नेक्स्ट लाइन, लाइन सेगमेंट रे, हाँ जी, नेक्स्ट बताओ क्या करेंगे? एंगल, एंगल, व्हेन टू रेज, एंगल, व्हेन टू रेज मीट एट ए सेम पॉइंट, या हम कह सकते हैं व्हेन टू रेज मीट फ्रॉम ए सेम पॉइंट। जब एक ही पॉइंट से कोई दो रेज निकलेगी, देन मेक्स अ एंगल। ओ मान लो ये ए है एंड दिस इज बी रे है, और ये निकल रही है ऐसे, तो ये एंगल बना, ठीक है। व्हेन टू रेज एमिट्स फ्रॉम अ सेम पॉइंट ओ से, इमिट हो रही है, निकल रही है ओ से, देन इट मीन दिस इज रे, ठीक है। इसको डिनोट कैसे करते हैं एंगल को? जिसके ऊपर एंगल बनेगा, ए बी, इसको ले लीजिए ए ओ बी, ऐसे लिखते हैं, दिस इज ए ओ बी, लिखने का देखते हैं। जिसके ऊपर बेटा एंगल बनेगा वो हमेशा सेंटर में होता है, दिस इज ए ओ बी। अब हमारे एक्यूट एंगल, अब्यूज एंगल आएंगे, एक्यूट, अब्यूज एंड दिस इज राइट। एक्यूट एंगल्स आर लेस देन एंगल्स, लेस देन, जो मैंने एंगल लिखा है, एंगल्स लेस देन 90 डिग्री, जो एंगल हमारे 90 से छोटे होंगे, दैट आर एक्यूट एंगल्स। एंड ऑब्ट्यूज एंगल्स आर, यस, ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री, जो हमारे 90 से तो बड़े होंगे बट 180 डिग्री से छोटे होंगे। इज इट क्लियर? देन राइट एंगल, इट हैज द मेजर ऑफ ओनली 90 डिग्री, इट हैज मेजर ऑफ 90 डिग्री, ठीक है बेटा। ऐसे ही आता है स्ट्रेट एंगल,
में जो मेजर होता है वो होता है 180 डिग्री का। ओके, तो कल हमने करना है आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके बेटा, सायरा।